मौत की सजा तेनाली राम। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को डर था कि राजा कृष्णदेव राय अपने प्रदेश रायचूर और मदकल को वापस लाने के लिए हम पर हमला करेंगे। उसने सुन रखा था कि वैसे राजा ने अपनी वीरता से कोडीवडू, कोंडपल्ली, उदयगिरी, श्रीरंग पत्तिनम, उमतूर और शिव समुद्रम को जीत लिया था। सुल्तान ने सोचा कि इन दो नगरों को बचाने का एक ही उपाय है कि राजा कृष्णदेव राय की हत्या करवा दी जाए। उसने बड़े इनाम का लालच देकर तेनालीराम के पुराने सहपाठी और उसके मामा के संबंधी कनक राजू को इस काम के लिए राजी कर लिया। कनक राजू तेनालीराम के घर पहुंचा। तेनालीराम ने अपने मित्र का खुले दिल से स्वागत किया, उसकी खूब आवभगत की और अपने घर में उसे ठहराया। एक दिन जब तेनालीराम काम से कहीं बाहर गया हुआ था, कनक राजू ने राजा को तेनालीराम की तरफ से संदेश भेजा, आप इसी समय मेरे घर आए तो आपको ऐसी अनोखी बात दिखाऊं जो आपने जीवन भर न देखी हो। राजा बिना किसी हथियार के तेनालीराम के घर पहुंचे। अचानक कनक राजू ने छुरे से उन पर वार कर दिया। इससे पहले कि छुरे का वार राजा को लगता, उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय राजा के अंगरक्षकों के सरदार ने कनक राजू को पकड़ लिया और वहीं उसे ढेर कर दिया। कानून के अनुसार राजा को मारने की कोशिश करने वाले को जो व्यक्ति आश्रय देता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। तेनालीराम को भी मृत्युदंड सुनाया गया। उसने राजा से दया की प्रार्थना की। राजा ने कहा, मैं राज्य के नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने उस दुष्ट को अपने यहाँ आश्रय दिया, तुम कैसे मुझसे क्षमा की आशा कर सकते हो? हाँ, यह हो सकता है कि तुम स्वयं फैसला कर लो, तुम्हें किस प्रकार की मृत्यु चाहिए। मुझे बुढ़ापे की मृत्यु चाहिए महाराज, तेनालीराम ने कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा हंसकर बोले, इस बार भी बच निकले तेनालीराम।